आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताजा खबरों की ओर। पाकिस्तान के मुद्दे पर हुई मोदी पुतिन के बीच अहम वार्ता। रूस ने किया है तालिबान का समर्थन। जो आपको बता दी कि अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। उस दौरान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने साथ मिलकर इस संकट से निपटने के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल ही के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दे पर भी चर्चा की, जिसमें कोरोना के खिलाफ भारत और रूस सहयोग शामिल है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने पर सहमत हुए। हरियाणा में अब नरेश टिकैत मुजफ्फरनगर से किसानों के प्रदर्शन को लेकर भरेंगे हुंकार। जी आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को रह कर धार देते हैं, जिससे किसान इस आंदोलन से अलग थलग ना हो पाए। किसान बाहुल्य इलाकों में पंचायत कर उनको जोड़े रखने के लिए तमाम तरह के काम किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरठ और शामली में हुई पंचायत में किसानों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया गया। अब किसान यूनियन का अगला टारगेट मुजफ्फरनगर में की जाने वाली महापंचायत है। राम रहीम को मिली बड़ी राहत। रंजीत सिंह हत्या मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने पर लगाए रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को फैसला सुनाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। जगसीर ने सीबीआई के एक अन्य वकील पर जज व मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। जगसीर सिंह ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की है। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई कि विशेष सीबीआई जज सुशील गर्ग को फैसला सुनाने से रोका जाए। जगसीर ने फैसला सुनाने के लिए पंजाब हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई जज को ये मामला स्थानांतरित करने के निर्देश देने की भी मांग की है। वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद शुरू हुआ हरियाणा में पंचायतों का दौर। एसडीएम को भी दिया जाएगा ज्ञापन। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा करीब आधा दर्जन कॉलोनियों को एक सप्ताह के अंदर खाली कर देने का नोटिस दिए जाने के बाद हरियाणा के सोहना में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, जिसे लेकर अब पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। कस्बा के मौजूद लोगों ने सोहना के एक निजी धर्मशाला में पहली पंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने पहुंचकर अपने विचार रखते हुए कहा कि वन विभाग ने जो नोटिस लोगों के पास भेजे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब वन विभाग ने करीब 500 साल पुराने ऐतिहासिक शिव कुंड नामक गर्म पानी के चश्मे को भी इसमें शामिल कर लिया है, तो फिर बाकी लोगों के पास भेजे गए नोटिस कितने वाजिब होंगे, जिसे लेकर सोहना वासियों में सरकार व वन विभाग के प्रति भारी रोष व्याप्त है। हरियाणा में होम डिपार्टमेंट में करीब 30% पद खाली। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस कैडर तक के पोस्ट है खाली। जी आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें सामने आया है कि होम विभाग में कुल में से करीब 30% पद खाली है। किसी भी राज्य में गृह विभाग बेहद ही अहम होता है। विभाग राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है, साथ ही वीवीआईपी की सुरक्षा का जिम्मा भी उनके पास होता है। ऐसे में समझना आसान है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्तरदायित्व कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आईपीएस, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कैटेगरी में पद खाली है। इन कैटेगरी में कुल 71,059 पोस्ट है, जिनमें से 50,230 भरी और 20,839 खाली है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पद भी है, जिनमें से करीब 30% अभी तक खाली है।
हरियाणा के भिवानी के गांव में पानी की उपलब्धता होगी कि होगी जांच, मनोहर लाल खट्टर का है ये बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भिवानी जिले के गांव में जलघरों में पानी की उपलब्धता के संबंध में सिंचाई होगी। विभाग के AST देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा 24 घंटे में ये जाँच कराई जाएगी। CM ने सोमवार को ये बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक किरण चौधरी द्वारा गांव के जलघरों में पानी की उपलब्धता नहीं होने की बात पर कही। CM ने कहा कि इस संबंध में तो शाम की विधायक किरण चौधरी द्वारा विधानसभा में कही बात सही पाई गई तो विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि सदन को कौन गुमराह कर रहा है। पंजाब कांग्रेस में बगावत को लेकर बड़ी खबर, हाईकमान से मिलने दिल्ली जाएगा 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। जी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में बगावत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली के विवादित टिप्पणियों के बाद कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर चल रही मंत्री और विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मंत्री और विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ हमला बोला है। बताया जा रहा है कि 3 मंत्री और 20 विधायकों की बैठक के बाद 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज ही सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में 4 कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। बता दें कि पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग 26 तारीख को होनी है, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही मंत्री बाजवा के घर सिद्धू गुट के विधायक और मंत्री इकट्ठे हुए थे। सिद्धू के सलाहकार माली की टिप्पणी के बाद मंत्री बाजवा के घर बड़ी बैठक, पहुंचे करीब 22 विधायक। जी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली के विवादित बयान के बाद कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर आज बड़ी मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में करीब 22 विधायकों के पहुँचने की खबर है। तो वहीं बता दें कि पंजाब मंत्रिमंडल की मीटिंग 26 तारीख को हो रही है और इस मीटिंग से पहले मंत्री बाजवा के घर सिद्धू गुट के विधायक और मंत्री इकट्ठे हुए हैं। दरअसल मालविंदर सिंह माली की तरफ से लगातार विवादित टिप्पणियां की जा रही है। अब उन्होंने CM कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निजी हमले किए हैं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से इस बयानबाजी के बाद अपने सलाहकारों को तलब किया गया है। सिद्धू की तरफ से मालविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग को पटियाला में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। इस मुद्दे के बाद मंत्री बाजवा के घर आज सिद्धू गुटों के विधायकों और मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। गन्ना काश्तकारों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, लिख दिए बड़ी बात। जी आपको बता दें कि सलाहकारों के विवादित बयान के कारण मुश्किलों में घिरे पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को गन्ना काश्तकारों के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 2018 से गन्ना काश्तकारों का राज्य सलाहकारी मूल्य ही बढ़ा है, जबकि खर्च 30% तक बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि शुगर मिल और काश्तकार दोनों को बराबर का लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पंजाब मॉडल का भी जिक्र किया है। बता दें कि कृषि माहिरों पंजाब में आंदोलन कर रहे दोआबा क्षेत्र के गन्ना किसानों के बीच प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक बेनतीजा रही है, लेकिन बैठक के बाद किसान नेताओं का रुख कुछ नरम दिखा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाह पंजीकरण के लिए भौतिक मौजूदगी जरूरी नहीं, आप ऑनलाइन के साथ चले कानून। जी आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शादी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आदेश को लेकर चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज के दौर में लॉ का प्रौद्योगिकी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का 45 दिन के भीतर पालन करने वाले हरियाणा सरकार को भी बड़ा आदेश दिया है। दरअसल गुरुग्राम निवासी अमीरंजन और उनकी पत्नी मिशा वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि दोनों अलग अलग देश में रहते हैं। अमीरंजन जहां लंदन में रहता है तो उनकी पत्नी मिशा वर्मा अमेरिका में काम करती है। याचिका में बताया गया था कि उनकी शादी 2019 में गुरुग्राम में हुई थी। शादी के बाद दोनों अपने अपने कार्यस्थल के देश में चले गए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, 14 लाख बच्चों को 7 दिन में देंगे किताबें। जी आपको बता दें कि हरियाणा में
पहले से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को किताबें मुहैया न कराने पर विपक्ष ने सरकार को सदन में जमकर घेरा। मुलाना से विधायक वरुण चौधरी की ओर से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधायक गीता भुक्कल ने बच्चों को किताबों की जगह पैसा देने पर सवाल उठाया। शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने कहा कि 14 लाख बच्चों को किताबें खरीदने के लिए 7 दिन में राशि दे दी जाएगी। बच्चों के 80% खातों को सत्यापित किया जा चुका है। 4th-5th कक्षा के बच्चों के लिए वर्क बुक खरीद रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सितंबर में टेंडर प्रोसेस पूरी कर लेंगे। पंजाब के निवासी के लिए बड़ी खबर, 24 अगस्त से रोजाना 5 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का रनवे। जी हां, आपको बता दें कि एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को 24 अगस्त से 15 सितंबर तक बंद करने की घोषणा की गई है। इस दौरान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना तो कोई फ्लाइट लैंड होगी और ना ही कोई उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश जारी किए गए हैं कि 24 अगस्त से 15 सितंबर तक रात 11:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक कोई भी लैंडिंग और डिपार्चर नहीं होगा। एयरपोर्ट की तरफ से रनवे की रिपेयरिंग और लाइटिंग का काम किया जाएगा। टैक्सी रनवे का काम भी पूरा किया जाएगा। इसी वजह से अथॉरिटी ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग भी नहीं होने वाली है। मलोट में सुखबीर बादल का विरोध, किसानों ने बैनर फाड़े, काली झंडियां दिखाई। जी आपको बता दें कि पंजाब में मलोट दौरे के दौरान शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। मलोट के अनाज मंडी में प्रोग्राम के बाद किसानों के सवालों के जवाब न देने पर किसानों ने अगले प्रोग्राम के दौरान पैलेस में जाकर उनका विरोध किया। इस दौरान अकाली वर्करों और किसानों के आमने सामने होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। माहौल बिगड़ता देख सुखबीर बादल रास्ता बदल कर पैलेस से बाहर निकल गए। तो वहीं अकाली दल की ओर से मलोट में रखे गए 11 प्रोग्रामों की शुरुआत अनाज मंडी में एक रैली से हुई। इस मौके पर अलग अलग किसान जत्थेबंदियों के 300 से अधिक सदस्य इकट्ठे हुए। साझा किसान मोर्चा के फैसले के दौरान सुखबीर बादल से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जानते, मगर सुखबीर बादल किसानों के साथ बातचीत किए बिना ही रैली स्थान से चले गए। पंजाब में किसानों ने किया बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का भारी विरोध, उठा दिया ये बड़ा कदम। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्शन खिलाड़ी अक्षय कुमार को किसानों के खिलाफ बोलना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की तरफ से अक्षय की नई मूवी बेल बॉटम का पंजाब के सिनेमाघर में लगने पर विरोध हो रहा है। दरअसल पंजाब के पटियाला और लुधियाना जिले सहित कई अन्य शहरों में सिनेमाघरों के बाहर किसानों ने धरना लगाया है। किसानों का कहना है कि अक्षय कुमार ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर अब तक पंजाब का कोई पक्ष नहीं लिया है, इसलिए अक्षय की कोई भी फिल्म पंजाब में नहीं लगने दी जाएगी। तो वहीं फिल्म देखकर बाहर आए लोगों को किसानों ने काली झंडियां दिखाई और हॉल के मैनेजर को मांग पत्र भी सौंप दिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में नवनिर्मित स्टेडियम का नामकरण किया गया है। इस पर नीरज के कोच और साथियों ने काफ़ी ज़्यादा खुशी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि कभी नीरज को अभ्यास करने के लिए समतल मैदान नसीब नहीं होता था, लेकिन आज पुणे में उसके नाम पर पूरा स्टेडियम है। ये पानीपत और हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अब तक ये बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।